तो जय विष्णु दोस्तों, होप आप सभी अच्छे हों। तो अभी मैं विवेक फौजी का वेट कर रहा हूँ। अभी हम दोनों जा रहे हैं कहीं, बस उसी का वेट कर रहा हूँ। बस आने वाले हैं तो चलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो देखिए, लगता है विवेक फौजी जी आ गए हैं। हाँ वही है, और उनकी स्माइल। बंद ही कर दिए। और कैसे हो फौजी साहब? बढ़िया। बड़े डिले करते थे आप यार, लगता नहीं आप आर्मी में ही हो। तो कहाँ जाना, क्या डिसाइड किया? कहाँ जाए चलो चलते हैं, करते हैं डिसाइड। चलो पहले निकलते हैं मंडी की तरफ। तो चलते हैं गाइस, अभी देखते हैं आगे, डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, बताते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी हम पहुंच गए हैं घागस, और ये सीधे वाला चला गया चंडीगढ़ बिलासपुर के लिए, और इस साइड घूमेंगे अभी जाएंगे। ये दिखाता हूँ आपको, तो ये वाला है राइट साइड वाला, जाएगा मनाली मंडी के लिए, और ये वाला अपन धर्मशाला के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं मंडी वाली साइड में, बस भी लगी है मंडी के लिए। और ये रहा मंडी वाला रोड, धड़का धड़का ही मावले। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं सलापड़। अब ये रही नदी सतलुज नदी, और सामने है उस नदी के उस पार है मंडी, और नदी के इस पार बिलासपुर। कोल डैम आगे है, वो मैं दिखाता हूँ आपको ब्रिज के पास पहुंचकर। और देखो सामने रहा कोल डैम हाइड्रो पावर स्टेशन। ये सीधा रोड है जो चला गया कोल डैम के लिए, और अभी हम लेफ्ट लेंगे ब्रिज क्रॉस करके, वो चला गया मंडी को, और बिलासपुर रह गया इस पार। और सामने है मंडी, और यहाँ रहा सलापड़ का ब्रिज। सामने मंडी और बिलासपुर पीछे छोड़ दिया हमने। तो अभी हम रुके हैं पानी भरने, यहाँ पे है नेचुरल वाटर का सोर्स, पानी भर लेते हैं, आगे काम आएगा। और यहाँ तक, यहाँ से अभी 4 लेन स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा आगे जाने के लिए। पहले तो डबल लेन ही था, ऑलमोस्ट बन ही गया 4 लेन। पानी भर लिया, अभी चलते हैं फिर। तो ये जडोल था, यहाँ पे अभी आगे तो सारा 4 लेन है। अभी सुंदरनगर तक तो बिल्कुल साफ है रास्ता। तो अभी हम पहुंच ही गए ऑलमोस्ट सुंदरनगर, और अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर, और टॉप में आपको दिखेगा ये रहा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप पर। और ये है सुंदर की एंट्रेंस। अभी हम जस्ट सुंदरनगर में एंटर हो रहे हैं, और इस कॉलेज का नाम है जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये हो गए हम अभी सुंदरनगर में एंटर, और सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही है, पता नहीं अभी कैमरे में साफ नहीं आ रही हैं, लेकिन वहाँ पे बर्फ पड़ा हुआ उन पहाड़ियों में। तो ये रहा सुंदरनगर, पहले भी दिखाया था आपको मैंने लास्ट एक वीडियो में। और सामने देखो बर्फ दिख रहा होगा आपको। ये रहा गेट सुंदरनगर का, राइट साइड हॉस्पिटल और कॉलेज है, और बाकी मंडी वाला रोड इस साइड, मंडी मनाली वाला। आगे आपको लेक भी दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। मंडी यहाँ से 25 किलोमीटर और मनाली 135। तो ये रही सुंदरनगर की लेक, अभी यहाँ रास्ता बंद है। तो अभी यहीं से कैप्चर करना पड़ रहा है।
की मैं थे जब क्या हुआ था वो बाइक का प्राया हाँ बाइक पे ठीक है वो ठीक है मिले अरे तो अभी पिछले महीने तो आप गए थे ऊपर फिर इतने जल्दी कैसे आ गए ऐसे ऐसे ही मन किया मन नहीं लगा तो आगे वापस आपका मन नहीं लगता पे ना छोड़ दो अब नौकरी नौकरी भगोड़ा साबित हो जाओगे क्या करना स्टेट गवर्नमेंट दे नहीं रही चलो मिल जाएगी करते रहो और कैसा लगा है सुंदरनगर के लिए बहुत बढ़िया फिर अगला प्लान का अगला प्लान आप मंडी देखते हैं मंडी जाना ना मंडी में जाएंगे भूतनाथ मंदिर हाँ भूतनाथ मंदिर जा सकते हैं अच्छा आइडिया है तो जल्दी चलते हैं फिर आगे तो चलते हैं भाई यूँ आगे फिर रास्ते में कुछ खा पी भी लेंगे भाई को बड़ी भूख लगी है कुछ खा के नहीं आए सुबह खाया कुछ हाँ कुछ खाया नहीं भाई ने तो भाई को खिलाएंगे आगे कुछ अभी चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में तो अभी लेक के बगल में हमें मिल गया फास्ट फूड का कॉर्नर तो हमने सोचा अभी एक भाई को बर्गर खिला लेते हैं तो अभी बन रहा हमारा बर्गर पीछे अंकल बोल रहे हैं बहुत अच्छा मिलता है खा के देखेंगे अब कितना अच्छा मिलता है अंकल जी बोल रहे हैं अंकल जी बंद फ्राई करेंगे लेकिन वो फ्राई नहीं मतलब ऑयली बिल्कुल नहीं होगा ऐसा कह रहे हैं अंकल जी देखेंगे अभी हाँ वेज है और क्या क्या मिलता है अंकल अच्छा अभी आपने बन हो रहे फ्राई टिक्की हो गई ऑलरेडी फ्राई मैं आपको खा के दिखाऊंगा इसके अंदर ऑयल होगा हाँ हाँ अंदर होगा तो ठीक रहेंगे ऐसा क्रंची हो जाता है हाँ हाँ क्रंची नेस आ जाती है फ्राई करने से सही बात नहीं अंकल कह रहे हैं फ्राई करेंगे काट के अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं होगा अगर होगा तो वो फेंक देंगे अब डिक्की फिर से हो रही है फ्राई तो ये रहा भाई वो बर्गर 40 रुपए का विवेक भाई टेस्ट करोगे बताओ कैसा है बंद ही टेस्ट किया अच्छा है मैं भी देखता हूँ अभी नहीं आता सच में बर्गर तो सही है 40 रुपए वर्थ है चलो चलते हैं मंडी में भी कुछ खाना है चलते हैं अभी पल वैली बहुत ही उपजाऊ जमीन है यहाँ की तो अभी अपन लोग पहुंच गए हैं मंडी अभी अंदर जाने वाले ब्रिज से जा रहे हैं हमें अंदर ही गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी बाहर तो जगह नहीं थी अभी हम पहुंच गए हैं मंडी और गाड़ी लगा दी है हमने हर कहीं हो सकता है चलान भी हो जाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं लगा दी है हमने गाड़ी हर कहीं ये देखिए गाड़ी लगा दी है हमने यहाँ अभी चलेंगे हम अंदर मार्केट इंदिरा मार्केट कुछ पसंद आएगा तो शॉपिंग भी कर लेंगे काफ़ी चहल पहल है मंडी मार्केट में मंडी का मॉल रोड बोलें तो मंडी बहुत रश है अभी और ये रही मंडी की मार्केट सारी यहाँ सभी शॉप्स हैं इनके अंदर भी शॉप्स हैं सारी कड़ा धूप आ रही है यहाँ से तो चलते हैं अभी नीचे
और ये नीचे गार्डन, काफ़ी लोग अपने अपने झुंड बना के बैठे हुए हैं, धूप लगा रहे हैं। और देखो इधर ये भी धूप लगा रहा है। और देखो मंडी वालों द्वारा लिखे गए कुछ क्वेट्स, असे हाय मंडियाल असे नहीं कर रहा है दीवारा लाल। तो ये होगी अपनी शॉपिंग के लिए मैंने एक जैकेट और एक कार्गो पैंट। और भाई के पास अच्छे कपड़े हैं, भाई मेरा यूट्यूब चैनल है उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई का नाम अमित, आपकी शॉप का नाम बता दीजिए अगर किसी ने आना। का नाम है लिबास, लिबास है शॉप नंबर 15 इंदिरा मार्केट में। अच्छे अच्छे आर्टिकल रखे हुए भैया ने, तो मुझे पसंद आए तो मैंने ले लिए। तो अभी चलते हैं। ओके भाई थैंक यू। अभी शॉपिंग हो गई, अभी चलते हैं कुछ खाने। और ये मॉल रोड पे काफ़ी हलचल, पीछे देख सकते हो आप मेरे। चलते हैं अभी कुछ खा लेते हैं। तो अभी हम यहाँ आए हैं कैफे में फ्रंटियर कैफे, और सही अंदर की इन्होंने डेकोरेशन की है। और देखो मैं झूले पे बैठा हूँ, लास्ट टाइम भी आया था उनका खाना अच्छा है, तो अभी मैं यहाँ आया हूँ। अभी ट्राई करते हैं फिर से। मैं देखो इंटीरियर बड़ा सही है इनका, बाइक्स लाइट्स और ये झूले। तो ये आ गया अपना ग्रीन मस्जिद, सॉरी ब्लू मस्जिद। तो बीयर भाई ट्राई करोगे आप? मैं तो फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ ये वाला मस्जिद। तो कैसा है सच में? असली वाला रिव्यू देना है। अच्छा चलो देखता हूँ, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। हाँ यार बढ़िया सही है वैसे, चलो अच्छा है भाई। मस्जिद तो बहुत अमेजिंग, बहुत ही सही था यार मस्जिद। तो मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई किया ये ब्लू वाला, तो मज़ा आ गया भाई सही में। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। तो ये आ गया अपना सेकंड ऑर्डर, फ्राइड राइस प्लस मंचूरियन ग्रेवी। करते हैं स्टार्ट, अभी मिलते हैं आपसे व्लॉग के बाद। तो अभी खाना और घूमना हो गया, शॉपिंग भी होगी, अभी चलते हैं आगे कहीं और जगह। तो गाइस अभी बच गए हैं शाम के 5 और अभी हम पहुंच गए हैं घागस। तो ये रही घागस की मार्केट, जस्ट अभी ठंड होने लगी है, 5 बज चुके हैं इसलिए ठंड भी हो गई है और अंधेरा भी होने लग गया है। यहाँ पे थोड़ा जाम भी लग गया है। ये आ गए हम शिमला वाले रोड पे, और यही है हमारा, इसी रोड पे है मेरे घर में। हम पहुंच गए घर और विवेक भाई भी जा रहे हैं वापिस। अब भाई चले जाएंगे सीधे लद्दाख। भाई कब मिलोगे फिर हम आपसे? हम ये अकेला छोड़ के जा रहे हो आप? 2-3 महीने बाद। पक्का? पक्का। अप्रैल में आओगे कि मार्च में? मार्च में कोशिश है। चलो ठीक है, तब मिलते हैं। आज का ट्रिप आपके साथ अच्छा रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। ओके फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में।